नेक्स्ट चैलेंज आपके सामने है, आपको इसे रीड करना है और इसका आउटपुट बताना है, साथ में आपने जो एरे बनेगा उसकी शेप भी बतानी है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आउटपुट नोट कीजिए। आई होप कि आप इवेल्युएट कर चुके होंगे, आइए इसे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये एरे है और ये कैसा एरे है, ये 2D एरे है क्योंकि इसकी जीरो पोजीशन पर एक एरे ये है, वन पोजीशन पर ये वाला एरे और टू पोजीशन पर ये वाला एरे, और ये सब किसके अंदर है, एक आउटर एरे के अंदर है। तो जब मैं कह रहा हूं कॉलन टू का मतलब है हम स्लाइसिंग कर रहे हैं और जीरो से लेकर के टू तक, टू एक्सक्लूड रहेगा, यानी जीरो वाली रो और वन वाली रो, इन दो रो की ये बात कर रहा है, राइट? यानी दो रो पूरी पूरी। तो इसका मतलब ये 2D एरे को रिप्रेजेंट करेगा जिसके अंदर टू रोज होंगी और हर एक रो के अंदर एक एरे और एरे के अंदर तीन तीन एलिमेंट, राइट? तो यानी ये इतने एरे को रिप्रेजेंट करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए इसने 2D एरे रिटर्न किया मुझे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जीरो पोजिशन पर ये वाला एरे, वन पोजिशन पर ये वाला एरे। अगर मैं इसकी शेप प्रिंट करूं तो बताएंगे क्या होगी, क्योंकि शेप देखिए, शेप क्या है इसकी, जो आउटर एरे है उसमें सिर्फ दो एलिमेंट है, एक एरे ये, एक एरे ये, और जो ये एरे है इनके हर एक पोजीशन पर थ्री एलिमेंट है, यानी यहां पर एक एलिमेंट, यहां पर एक, यहां पर एक। तो शेप क्या हुई, शेप हुई 2, 3। तो एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, ये देखिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट चैलेंज के ऊपर मूव करते हैं।